ट्रैक्टर में जो है कंपनी फिटेड हैवी ड्यूटी डबल डिस्ट्रीब्यूटर जो है बॉल्व आपको इस ट्रैक्टर में मिल जाते हैं। कपलिंग के 3 पॉइंट्स ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल वार के साथ में आते हैं। पावर स्टीयरिंग के डुअल पंप सबसे ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस करने वाले मिल जाते हैं। सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिल जाती है। नॉन एडजस्टेबल स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रंट एक्सल मिल जाते हैं। जो आपको फोर व्हील ड्राइव गियर बॉक्स सिस्टम है विदाउट क्रॉस वाला मिल जाता है, जिससे आप पर्लिंग या मचौगा करते समय एक बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ में लंबे समय तक वर्क कर पाते हैं। रिसेंटली कंपनी ने चेंजेस करके इस ट्रैक्टर की पावर स्टीयरिंग का सेपरेट ऑयल बॉक्स आपको दे दिया है। नीचे आपको इस ट्रैक्टर का जो है हाइड्रोलिक लॉक सिस्टम मिल जाता है। फॉरवर्ड दो रिवर्स फुली साइड शिफ्ट कॉन्स्टेंट मैक्स गियर बॉक्स। आज की इस वीडियो में इंडिया के सबसे ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड और किसानों द्वारा पसंद किए जाने वाले नंबर वन इंटरनेशनल कंपनी का जो है आज हम ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम इसके कुछ डिफरेंटेड फीचर्स की बात करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी ने जो है रिसेंटली चेंजेस और इम्प्रूवमेंट के साथ में इस ट्रैक्टर में आपको हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग के सबसे ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस करने वाले आपको जो है डुअल पंप दिए हुए हैं। साथ ही इस ट्रैक्टर का जो हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर है उसके लिए यहाँ पर कंपनी ने सेपरेट आपको बड़ा हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर लगा के दिया हुआ है। और सबसे अच्छे खास फीचर्स की बात करें इस ट्रैक्टर में जो है आपको हाइड्रोलिक फिल्टर मिल जाता है। साथ में हाइड्रोलिक में इस ट्रैक्टर कंपनी ने जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनर ऑयल फिल्टर देके भी रखा हुआ है, जिससे इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा स्मार्ट सीरीज वाली मिल जाती है। और यहाँ पर जो है आपको एक और इस ट्रैक्टर का इंजन ऑयल फिल्टर मिल जाता है। काफ़ी शानदार जगह में जो है इस बार कंपनी ने रिसेंटली चेंजेस करके इस ट्रैक्टर का इंजन ऑयल फिल्टर प्लेस किया हुआ है। और यदि हम बात करेंगे इस ट्रैक्टर में सेल्फ स्टार्टर मोटर की, तो विथ प्रोटेक्शन कवर जो है आपको इस ट्रैक्टर की सेल्फ स्टार्टर मोटर मिल जाती है। 12 बोल्ट 2 किलो वाट के साथ में जो है इस ट्रैक्टर की सेल्फ स्टार्टर मोटर मिल जाती है। यदि हम बात करेंगे इस ट्रैक्टर में अल्टीनेटर की, तो ये जो ट्रैक्टर है 12 बोल्ट 42 एमपीएच के अल्टीनेटर के साथ में आता है। साथ ही दोस्तों इस ट्रैक्टर में जो है आपको फ्रंट की तरफ इंडिया के सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड एमरॉन कंपनी की जो है बैटरी मिल जाती है 12 बोल्ट 75 एएच के साथ में आती है। इस ट्रैक्टर में जो आपको ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर मिल जाता है। एयर फिल्टर चोक सेंसर के साथ में जो है इस ट्रैक्टर का एयर फिल्टर आता है। काफ़ी शानदार जो है बेस्ट क्वालिटी की कह सकते हैं शुद्ध हवा जो है इस ट्रैक्टर के इंजन में कंप्रेस करता है। फ्रंट में यदि हम बम्फर की बात करेंगे, तो हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड जो है आपको इस ट्रैक्टर में 50 kg का फ्रंट बम्फर मिल जाता है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात जो है आपको देख सकते हैं इस ट्रैक्टर में जो है आपको विदाउट क्रॉस वाली फोर व्हील ड्राइव की अगले पहिए में जो है शाफ्ट मिल जाती हैं, जिससे आप इसको मचौगा या पर्लिंग करते समय बहुत ही शानदार और एक लॉन्ग लाइफ के साथ में जो है आपका साथ देने वाली है। और ये जो फ्रंट एक्सल है आपको हैवी ड्यूटी नॉन एडजस्टेबल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपनी फिटेड जो है आपको इस ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल मिल जाते हैं। और चलेंगे यदि हम इस ट्रैक्टर के इंजन की तरफ, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर में जो है आपको बॉश कंपनी का सिंगल डीजल फिल्टर मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा शानदार जो है इसका डीजल फिल्टर है। वाटर स्प्रेटर की पोजीशन कंपनी ने यहाँ पर रखी हुई है। और यदि हम बात करेंगे इस ट्रैक्टर में टूल वगैरह स्टोरेज के लिए, तो यहाँ पर जो है कंपनी ने इस ट्रैक्टर में सेपरेट लोहे का टूल बॉक्स दिया हुआ है। आपको मैं स्टोरेज दिखा देता हूँ। काफ़ी शानदार जो है आपको इस ट्रैक्टर में लोहे का टूल बॉक्स मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ के लिए जो है जाने जाते हैं। और इस ट्रैक्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कंपनी ने आपको इस ट्रैक्टर की पावर स्टीयरिंग का सेपरेट ऑयल बॉक्स दिया हुआ है, जिससे इस ट्रैक्टर की स्टीयरिंग लंबे समय तक स्मूथ वर्क करने वाली है। साथ ही सेपरेट ऑयल बॉक्स देने से इसकी जो स्टीयरिंग की रबड़ है वो बिल्कुल भी नहीं कटेगी, बहुत शानदार और स्मूथ परफॉर्मेंस करेगी। और इस ट्रैक्टर में यदि हम इंजन की बात करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ट्रैक्टर का इंजन का फ्यूल इनलाइन पंप है बॉश कंपनी का जो है आपको इस ट्रैक्टर में फ्यूल इनलाइन पंप मिल जाता है। 3,065 cc के साथ में जो है आपको इस ट्रैक्टर में 50 horsepower 3-cylinder वाटर कूलेंट इंजन मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर का सेपरेट वाटर कूलेंट का बॉक्स मिल जाता है। रेडिएटर की बात कर लेंगे, कंपनी ने इस ट्रैक्टर के रेडिएटर को काफ़ी शानदार जगह में प्लेस किया हुआ है। और इस ट्रैक्टर के रेडिएटर के सामने आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गैप मिल जाता है, जिससे इस ट्रैक्टर की रेडिएटर में पर्याप्त मात्रा में जो है हवा मिलती है, जिससे इस ट्रैक्टर का इंजन एक बेटर कूलेंट सिस्टम के साथ में लंबे समय तक वर्क करता है। नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में जो है हम सोनालिका कंपनी की तरफ से आने वाले सोनालिका DI-47RX फोर व्हील ड्राइव का जो है फुल डिटेल रिव्यू कर रहे हैं। फ्रंट में यदि लुक की बात करेंगे, तो 2 हेलोजन लाइट मिल जाती हैं, सोनालिका की बेस्ट जो है बैजिंग मिल जाती है, जाली जो है काफ़ी अच्छी दी हुई है सोनालिका ने, बेटर क्वालिटी की जो है इनके अंदर एयर फ्लो होती है, जिससे इस ट्रैक्टर का रेडिएटर पर्याप्त मात्रा में कूलेंट सिस्टम परफॉर्मेंस करता है। CM सीरीज़ के अंदर जो है ये ट्रैक्टर आता है।
यदि हम स्पेक्ट्रम में बात करेंगे 50 एचपी कैटेगरी का जो है आपको स्पेक्ट्रम में इंजन मिल जाता है, 205 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क और 1900 रेटेड आरपीएम तक जो है स्पेक्ट्रम का इंजन वर्क करता है। साथ ही दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रम में जो है इंडिकेटर और लाइट का काफ़ी शानदार ट्रैक्टर ने जो है कंपनी ने यहां पर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। आपको स्पेक्ट्रम में जो है ऑयल इम्प्रेस डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, तो ब्रेकिंग के अंदर भी जो है आपको काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस मिलने वाली है। सिकंदर सीरीज हैवी ड्यूटी माइलेज जो है आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाता है। कलर कॉम्बिनेशन ग्राफिक्स काफ़ी शानदार जो है सोनालिका ने यूज किए हुए हैं, बहुत शानदार और अट्रैक्टिव लुक कर लगता है स्पेक्ट्रम का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे, स्पेक्ट्रम में जो है आपको 50 से 55 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और दोस्तों स्पेक्ट्रम की हम यदि फोर व्हील ड्राइव शाफ्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रम की फोर व्हील ड्राइव शाफ्ट को फुली मेटल कवर से जो है कवर अप करके दिया गया है, जिससे स्पेक्ट्रम की फोर व्हील ड्राइव शाफ्ट मचौवा वगैरह में एक बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ में आपका लंबे समय तक जो है साथ देने वाली है। फुट स्टेपर जो है आपको स्पेक्ट्रम के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करके दिया गया है। सोनालिका का डेलीकेटेड जो है आपको स्पेक्ट्रम में फुट स्टेपर मिल जाता है, काफ़ी शानदार और लॉन्ग लाइफ के लिए जाना जाता है। प्लेटफॉर्म जो है आपको स्पेक्ट्रम में एकदम समतल प्लेटफॉर्म मिल जाता है। कंपनी ने जो है यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम में ड्राइवर ग्रैब हैंडल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है, जिसे पकड़ के आप बड़ी आसानी के साथ इसके ऊपर चढ़ो। और बात करें स्पेक्ट्रम में यदि हम पैसेंजर ग्रैब हैंडल की, तो यहाँ पर जो है आपको स्पेक्ट्रम में हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड पैसेंजर ग्रैब हैंडल मिल जाता है। अब जो है हम चलते हैं स्पेक्ट्रम के ऊपर। सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है स्पेक्ट्रम में, जो आपको मल्टी एडजस्टेबल सीट मिल जाती है। सोनालिका का जो है आपको स्पेक्ट्रम में डेलीकेटेड साइलेंसर मिल जाता है, काफ़ी अच्छी नॉइसेशन के लिए जाना जाता है। हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड आपको स्पेक्ट्रम में मिरर मिल जाता है, काफ़ी शानदार जगह में जो है मिरर की पोजीशन प्लेस की गई है, जिससे आपको पीछे की तरफ की जो विजिबिलिटी है शानदार मिलने वाली है। और दोस्तों यदि हम बात करें स्पेक्ट्रम में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो स्पेक्ट्रम में जो है आपको डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो है कॉम्बिनेशन मिल जाता है। यहाँ पर जो है आपको स्पेक्ट्रम में फ्यूल इफिशेंसी इन्फॉर्मेशन, ट्रैक्टर का ऑयल टेम्परेचर, ट्रैक्टर के आरपीएम, साथ में ट्रैक्टर टोटल कितने घंटे चला है, यहाँ पर आपको ट्रैक्टर के टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन और बैटरी सर्विस रिमाइंडर जैसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साथ ही दोस्तों इस ट्रैक्टर की स्टीयरिंग में जो है आपको नॉप लगा के दी जाती है, जिससे आप इस ट्रैक्टर की स्टीयरिंग एक बार में फुल्ली काट सकते हो। यहाँ पर जो है आपको स्पेक्ट्रम का हैंड एक्सीलेटर और यहाँ पर जो है आपको स्पेक्ट्रम की हॉर्न और लाइट्स का कंट्रोल मिल जाता है। साथ ही दोस्तों यदि हम स्पेक्ट्रम में ड्राइवर की राइट तरफ की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपको स्पेक्ट्रम का मेन गियर मिल जाता है, जिसमें आपको मेन चार गियर और इसी में जो है आपको रिवर्स का गियर मिल जाता है। यहाँ जो है आपको स्पेक्ट्रम के हाइड्रोलिक लीवर मिल जाते हैं, साथ ही यहाँ पर जो है आपको स्पेक्ट्रम का ब्रेक लॉक का लीवर मिल जाता है, और स्पेक्ट्रम में जो है आपको ब्रेक लॉक, ऑयल इम्प्रेस, डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। क्लच की यदि हम बात करेंगे, तो स्पेक्ट्रम में जो है आपको डुअल क्लच मिल जाती है, जिसके अंदर जो है आपको डुअल क्लच प्लेट, डुअल प्रेशर प्लेट मिल जाती है, और यहाँ पर जो है आपको स्पेक्ट्रम का लो और हाई का गियर मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर जो है आपको स्पेक्ट्रम का पीटीयू गियर मिल जाता है, और यहाँ पर जो है आपको स्पेक्ट्रम का फोर व्हील ड्राइव का जो है गियर मिल जाता है, जिससे आप स्पेक्ट्रम में फोर व्हील और टू व्हील दोनों का जो है मजा ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों स्पेक्ट्रम में यदि हम गियर बॉक्स की बात करेंगे, तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स फुली साइड शिफ्ट कॉन्स्टेंट में जो है गियर बॉक्स मिल जाता है। तो दोस्तों अब जो है हम चलने वाले हैं स्पेक्ट्रम से पीछे की तरफ। हम जो है आ चुके हैं स्पेक्ट्रम के पीछे की तरफ, बात करेंगे पीछे की तरफ के फीचर्स की। उससे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पीछे यदि हम बात करेंगे बैजिंग की बात करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रम में जो है रिवर्स पीटीयू की बैजिंग मिल जाती है। सोनालिका ने जो है इंडिकेटर और ब्रेक लाइट का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। और दोस्तों यदि हम बात करें और भी ज़्यादा फीचर्स की, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रम में जो है कंपनी फिटेड हैवी ड्यूटी डबल डिस्ट्रीब्यूटर जो है बल्ब आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों स्पेक्ट्रम में जो है वाटर स्टोरेज करने के लिए ठीक सीट के पीछे आपको 2 लीटर तक का वाटर स्टोरेज दिया जाता है। यहाँ पर जो है आपको स्पेक्ट्रम के रिफ्लेक्टर की पोजीशन, साथ ही में एलईडी लाइट जैसी कनेक्टिविटी के लिए कंपनी ने सेपरेट सॉकेट बार दिया हुआ है, जिससे आप स्पेक्ट्रम में एलईडी लाइट जैसी कनेक्टिविटी ले सकते हैं। और स्पेक्ट्रम में जो है आपको हैवी ड्यूटी रियर एक्सल मिल जाते हैं डबल सपोर्टिंग बार के साथ में। टापलिंग के 3 पॉइंट्स ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में आते हैं। साथ ही दोस्तों यदि हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम में लिफ्ट कैपेसिटी की, तो इस श्रेणी की सबसे ज़्यादा 1800 kg की बेहतर क्षमता वाली जो है आपको स्पेक्ट्रम में लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाती है। और दोस्तों स्पेक्ट्रम में आपको जो है 41 हॉर्स पावर का मल्टी गियर स्पीड पीडीयू मिल जाता है। अभी जो है हम स्पेक्ट्रम के स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शंस की भी बात करने वाले हैं। पीछे की तरफ यदि हम बात करें स्पेक्ट्रम के फेंडर से अटैच करके नंबर प्लेट विथ इंडिकेटर जो है आपको कंपनी फिटेड मिल जाता है।
एलईडी पीछे की तरफ बेहतर विजिबिलिटी के लिए जो है कंपनी ने आपको गोल वाली हेलोजन लाइट जो है आपको इस ट्रैक्टर में दी हुई है दोस्तों। साथ ही इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक में आपको चैन नहीं बल्कि स्टेप बार मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ के साथ में आती हैं। अब हम चलते हैं इस ट्रैक्टर के स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शंस की बात कर लेते हैं। टायर साइज़ की बात करना भूल गए दोस्तों, टायर साइज़ के बारे में बता देते हैं। तो इस ट्रैक्टर में जो पिछला टायर है आपको 14x28 का मिल जाता है। साथ ही दोस्तों इस ट्रैक्टर में जो है आपको अपोलो कंपनी के टायर मिल जाते हैं। अगले टायर की यदि हम बात करेंगे इस ट्रैक्टर में तो अगला टायर जो है आपको 830x20 का अगला टायर मिल जाता है। और दोस्तों इस ट्रैक्टर में स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शंस की बात कर लेते हैं तो इसमें जो है आपको 250 और साथ में 186 किलोवाट का स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शंस मिल जाता है। पीटीयू के अंदर जो है आपको 33.1 और 44.1 का जो है स्पेसिफिक किलोवाट का स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शंस मिल जाता है। तो दोस्तों आई होप आशा करते हैं आज की सोनालिका DI50RX 4WD की ये फुल डिटेल रिव्यू वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान।